हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। दो कारण WWE एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंज को जीत मिलनी चाहिए और दो जिनसे सेमी जेन को जीत मिलनी चाहिए। जी हां दोस्तों, WWE एलिमिनेशन चैम्बर 2023 का बिल्डअप समाप्त हो चुका है, जिसके मैच कार्ड में कई दिलचस्पी मुकाबलों को जगह दी गई है। इस इवेंट में एज, ब्रॉक लेसनर और सेट रोलिंग जैसे दिग्गज सुपरस्टार परफॉर्म कर रहे होंगे। इस बीच रोमन रेंज वर्सेस सेमी जेन मैच पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी, जिसमें ट्राइबल चीफ का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल दांव पर लगा होगा। इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन दो कारणों के बारे में जिनसे एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंज की जीत होनी चाहिए और दो जिनसे सेमी जेन को जीत मिलनी चाहिए। इस ऐतिहासिक टाइटल रन को समाप्त करने के लिए WWE रेसलमेनिया सबसे सही इवेंट रोमन रेंज की जीत है। जी हां दोस्तों, रेसलमेनिया साल में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है, जिसके इतिहास में कई आइकॉनिक मोमेंट को बुक किया जा चुका है। रोमन रेंज पेबैक 2020 से यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं और अब उनका टाइटल रन 900 दिनों के आंकड़े को पार कर चुका है। उनका चैंपियनशिप सफर आइकॉनिक रहा है और इसके समाप्त होने वाला मोमेंट भी जाहिर तौर पर आइकॉनिक होगा। रेसलमेनिया इस तरह के यादगार मोमेंट को बुक करने के लिए सबसे आदर्श इवेंट नजर आता है, इसलिए WWE को एलिमिनेशन चैम्बर में ट्राइबल चीफ को जीत के लिए बुक करके उनका टाइटल रन को जारी रखना चाहिए। सेमी जेन को जबरदस्त लय के कारण जीत मिलनी चाहिए। जी हां दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि सेमी जेन मौजूदा रोस्टर के सबसे प्रतिभाशाली रेसलरों में से एक हैं। उन्होंने पिछले एक साल से द रेडलाइन के साथ स्टोरी लाइन में साबित किया है कि वो क्यों WWE के सबसे दिलचस्प सुपरस्टारों में से एक हैं। इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें फैंस का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। उनके हर एक सेगमेंट, मैच और प्रोमो में क्राउड उन्हें बहुत शानदार तरीके से चीयर कर रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर WWE उन्हें आसानी से कंपनी के टॉप बेबीफेस सुपरस्टारों में से एक बना सकती है। वहीं एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि फैंस भी उन्हें चैंपियन बनते देखना चाहते हैं। 1000 दिनों तक चैंपियन बनाए रखने के लिए रोमन रेंज की जीत। जी हां दोस्तों, WWE में ऐसे बहुत कम सुपरस्टार रहे होंगे जिनका एक ही वर्ल्ड टाइटल रन 1000 या उससे ज़्यादा दिनों तक चला हो। एक समय पर ब्रूनो सम्मार्टिनो और हल्क हॉगन जैसे दिग्गजों ने यह उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन मॉडर्न एरा में रोमन रेंज ऐसा करने के लिए बहुत करीब आ चुके हैं। उनका यूनिवर्सल टाइटल रन 900 दिनों के आंकड़े को पार कर चुका है। हालांकि उन्हें 1000 दिनों तक चैंपियन बने रहना है तो उनका रेसलमेनिया 39 में भी जीतना जरूरी है, लेकिन उससे पहले उनके सामने एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में सेमी जेन की चुनौती है। एक और ऐतिहासिक उपलब्धि रोमन रेंज के नाम करने के लिए WWE को उन्हें जेन के खिलाफ जीत के लिए बुक करना चाहिए। सेमी जेन की जीत से रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट चैंपियनशिप मैच बुक किया जा सकेगा। जी हां दोस्तों, WWE रेसलमेनिया 39 को लेकर इन दोनों कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में रोमन रेंज वर्सेस सेमी जेन मैच तय करेगा कि रेसलमेनिया 39 में 2023 मेंस रॉयल रंबल विजेता कोडी रोड्स किसे चैलेंज करेंगे। रेसलमेनिया मेन इवेंट में ट्रिपल थ्रेड चैंपियनशिप मैच की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं, जिसमें कोडी रोड्स, रोमन रेंज के अलावा सेमी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि किसी अन्य तरीके से भी सेमी को इस स्टोरी लाइन का हिस्सा बनाए रखा जा सकता है, लेकिन वो चैंपियनशिप बनना डिजर्व करते हैं, इसलिए अगर उन्हें जीत मिली तो फैंस की उन्हें चैंपियन बनने देखने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट को ट्रिपल थ्रेड का एंकर देकर अधिक दिलचस्प भी बनाया जा सकेगा। जी हां दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।